नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको डिफेंस अपडेट्स इंडिया में। चलिए आज के अपडेट्स शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट में बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लोकल प्रोजेक्ट जितने भी चल रहा है वो सारे प्रोजेक्ट के लिए टोटल 13,000 करोड़ रुपये को सैंक्शन किया है, जिसमें अर्जुन मार्क 1 है, मेन बैटल टैंक, और जो आर्मर्ड व्हीकिल है वो शामिल है। हम लास्ट में बात किए थे, इंडियन आर्मी ने भारत फोर्ज के साथ एक डील साइन किया है, जिसके तहत 177.95 करोड़ रुपये में टोटल 27 कल्याणी M4 वेरिएंट आर्मर्ड व्हीकिल को खरीदने वाला है। इस ऑर्डर भी इसी के अंडर ही आता है। और हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी चाहता है कि जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में वो सारे प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें कुछ प्रोजेक्ट है जो कि 7 से 8 साल लगने वाला है जिसको कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा AMC प्रोजेक्ट और TDBF प्रोजेक्ट जो है वो 7 से 8 साल लगने वाले हैं, लेकिन यही कोशिश रहेगा कि जिस प्रोजेक्ट को 7 से 8 साल लगेंगे उसको जितने जल्द हो सके ख़त्म किया जाए, और फिर उसके बाद और नया प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो डिसएंगेजमेंट का बात हुआ है LAC पर, उसका इतने दिन के बाद हमारा आर्मी चीफ जनरल MM नरवन जी एक स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके तहत उनका कहना है कि ये जो रिजल्ट हुआ है ये बहुत अच्छी रिजल्ट है, और हम बोल सकते हैं कि दोनों कंट्री ने इसमें विन किए हैं। जो हुआ है दोनों की सहमति से हुआ है, इसलिए दोनों ही विनर हैं। और उनका कहना है कि अभी इंडिया ने फ्यूचर स्ट्रैटेजी के तहत 2.5 फ्रंट के लिए जो वार होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहा है। 2 फ्रंट बोलने से एक पाकिस्तान, एक चाइना, और हाफ उनका कहना है हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बारे में। और उनका जो एज स्टेटमेंट है 2.5 एकदम सही है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। आज की लास्ट अपडेट हमारा वियतनाम और चाइना का जो रिलेशन है उसको लेके है। भारत, अमेरिका और ताइवान के बाद अभी वियतनाम चाइना के अगेंस्ट में आया है। वियतनाम अभी साउथ चाइना सी में 2 आइलैंड को डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है वेस्ट रिफ और सिनकोई आइसलैंड। वहाँ पर वियतनाम ने बंकर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, कंक्रीट पैड्स, लार्ज टावर स्ट्रक्चर्स जो कि कम्युनिकेशन और सिग्नल सिस्टम के लिए यूज किया जाएगा, उसके साथ साथ वहाँ पर AR और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी इंस्टॉल किया है। वियतनाम का कहना है कि ये जो सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, सिस्टम का रेंज में चाइना आ रहा है। इसको लेके चाइना का कुछ बयान अभी तक नहीं आया है। इसके सिवा और 2 आइलैंड है जिसका नाम है पियर्सन रीफ और नामियत आइसलैंड, वहाँ पर भी वियतनाम अपना कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर चुका है। इसके सिवा साउथ चाइना सी में और एक आइलैंड है जिसका नाम है पार्सल आइसलैंड, उसको लेकर अभी वियतनाम, चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अभी इस आइलैंड को चाइना ने अपने कब्जा में रखा है। और हो सकता है कि चाइना इस बारे में कुछ बयान नहीं दिया है, इसका कारण इंडिया और अमेरिका जो उसको चारों तरफ से घेरे हैं उसका कारण हो सकता है। और चाइना अभी LAC से अपना ट्रूप्स को वापस लिया है, और हो सकता है कि इसका कुछ दिन के बाद चाइना इसके बारे में बयान देगा। आप लोगों को क्या लगता है, वियतनाम, ताइवान जो भी कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में वो सही है या गलत, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज का अपडेट इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।